डीएवी स्कूल्स में किस तरह से एडमिशन होता है, क्या होता है वहाँ एडमिशन प्रोसेस, और कब एडमिशन ओपन होता है, किस तरह से आप एडमिशन करा सकते हैं, तो डीएवी स्कूल्स की डिटेल्स मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोइस वर्ल्ड, होप यू आर फाइन। सो डीएवी स्कूल्स का फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स। इसके करीब 800 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया, और इंडिया के बाहर भी कुछ ब्रांचेस हैं। पूरे इंडिया में 800 ब्रांचेस हैं। तो ये जो डीएवी स्कूल्स हैं, ये चेन ऑफ स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया, इसकी ब्रांचेस हैं, और इसका जो मैनेजमेंट है, ये जो स्कूल्स आते हैं ये डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के अंदर आते हैं। सभी जो इंडिया में चेन ऑफ स्कूल्स हैं डीएवी के स्कूल्स और कॉलेज, ये डीएवी सीएमसी जो के है डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के अंदर आते हैं, उन्हीं के द्वारा ये स्कूल्स चलाए जाते हैं। बोर्ड जो होता है सीबीएसई बोर्ड भी होता है, कुछ स्कूल सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड होती हैं, कुछ स्कूल्स आईसीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड होती हैं, कुछ स्कूल स्टेट बोर्ड से भी एफिलिएटेड होती हैं। जो जिस भी स्टेट में वो स्कूल चल रहा है डीएवी का, उस स्टेट के बोर्ड से भी कुछ स्कूल्स एफिलिएटेड होती हैं। यहाँ पर जो डीएवी के गवर्नमेंट द्वारा जो चलाई गई कुछ 62 स्कूल्स हैं, 62 स्कूल्स गवर्नमेंट चलाती है। उसके अलावा कुछ स्कूल्स हैं जो कि आपकी प्राइवेट स्कूल्स हैं, मतलब प्राइवेटली वो चलती है, गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। इन स्कूल्स में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक की क्लासेस होती हैं। नर्सरी से 12th तक आप एडमिशन इसमें करवा सकते हैं। अब बात करें एडमिशन प्रोसेस की। सो एडमिशन प्रोसेस जो होता है ये स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। जिस स्टेट का स्कूल है उस स्टेट में जिस तरह का एडमिशन प्रोसेस फॉलो होता है उस तरह से इसमें होता है, कोई इसमें एक जैसा प्रोसेस नहीं है। जब जिस स्टेट में एडमिशन प्रोसेस होगा, जिस स्टेट में एडमिशन्स ओपन होंगे, उस तरह से ये स्कूल्स का एडमिशन भी किया जाता है। कोई इसमें आप कह लीजिए सेंट्रल एडमिशन होता है इस तरह का नहीं है, कि जैसे केवी में होता है, केवीएस में होता है कि एक टाइम पर फॉर्म निकलते हैं और सभी स्कूल्स में एडमिशन होता है, उस तरह का नहीं है। अलग अलग स्टेट्स में स्कूल्स जो हैं एक मैनेजमेंट कमेटी के अंदर तो आते हैं, बट अपने हिसाब से ये स्कूल्स को मैनेज करते हैं। जो डे टू डे एक्टिविटी है, जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं, जो आप कह लीजिए एडमिशन प्रोसेस है, ये स्कूल टू स्कूल सिटी टू सिटी डिफर करता है, अलग अलग तरह से होता है। स्कूल्स में जितनी अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स है उस तरह से वो अपना एडमिशन प्रोसेस उस टाइम पर निकालते हैं। जैसे जिस स्टेट दिल्ली में जैसे दिसंबर में फॉर्म्स निकल रहे हैं, तो वहाँ के जो डीएवीज़ हैं वहाँ पर उस टाइम पर एडमिशन होगा। जिस स्टेट में जब एडमिशन प्रोसेस हो रहा है उस तरह से होता है। और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है, कुछ डीएवीज़ बहुत अच्छे होते हैं, बड़े होते हैं, उनका एरिया बड़ा होता है, टीचिंग स्टाफ अच्छा होता है। कुछ डीएवीज़ छोटे होते हैं, एरिया छोटा होता है, टीचिंग स्टाफ उस तरह का नहीं होता उस लेवल का। तो जिस तरह का स्कूल है, जिस तरह से वो डायरेक्टली जो मैनेजमेंट है वो जितना एफिशिएंट है, जिस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं, जिस तरह से चला रहे हैं, उस तरह से वो उसकी जो है लेवल होते हैं स्कूल्स की, ये चलाया तो जाता है। इनका नेम, लोगो और जो एक सेंट्रल एक जो आइडिया है, ये डीएवी कमिटी से एफिलिएटेड होता है, आप कनेक्टेड होता है आप कह सकते हैं। बट जो मैनेजमेंट प्रोसेस है ये सिटी टू सिटी, स्कूल टू स्कूल डिफर करता है। तो कोई एक सेंट्रल इसका एडमिशन प्रोसेस नहीं है, ना ही इसका एक सेंट्रल एक स्ट्रक्चर नहीं है। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग स्कूल्स अलग अलग होती है। तो आपके जो एरिया में डीएवी स्कूल्स हैं वहाँ पर कैसा एडमिशन प्रोसेस है, आपको पर्सनली जाकर वहाँ के बारे में जानना पड़ेगा। कोई इसका ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, कोई एक सेंट्रल प्रोसेस नहीं है जिसको आप फॉलो करेंगे, या फॉर्म्स कभी एक तरह से एक बार में सब पूरे डीएवीज के निकलते हो, ऐसा कुछ नहीं। जिस भी डीएवी में आपको एडमिशन कराना है वहाँ पर जाकर आपको एडमिशन प्रोसेस का पता लगाना होगा। सो यही जानकारी मुझे आज आपको देनी थी। डीएवी स्कूल से रिलेटेड कोई और आपका क्वेरी हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, कोई पर्टिकुलर डीएवी के बारे में वहाँ की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी। सो यही था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो डू हिट द लाइक बटन और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, किसी न किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।